हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मजदूरों की घर वापसी के मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा राजघाट पर धरने पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधते रहते हैं यशवंत सिन्हा। मजदूरों पर जुल्म बंद करो, सम्मान से घर पहुंचे, ये बैनर्स भी है उनके साथ और ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। हमारे सहयोगी जैनेन्द्र ने हमें रिपोर्ट भेजी इसी को लेकर, वो आप देखिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी में वरिष्ठ नेता रह चुके यशवंत सिन्हा दिल्ली में राजघाट पर धरने पर बैठे अपने कुछ साथियों के साथ, मजदूरों की घर वापसी के मुद्दे को लेकर के यशवंत सिन्हा जी से बात करते हैं। सर, मैं आपके मुद्दे को लेकर के विस्तृत बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि लॉकडाउन है, किसी भी प्रकार की जमावड़े, राजनीतिक जमावड़े, सामाजिक जमावड़े पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके आप अपने साथियों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं, तो क्या आप कानून नहीं तोड़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल तोड़ रहे हैं। और जो मजबूर आज सड़कों पर चलने के लिए विवश हैं, वो किस कानून के अंतर्गत चल रहे हैं ये बताइए। देश का कानून सबकी भलाई के लिए होता है, सब कुछ दबाने के लिए नहीं होता है। इसलिए मेरा ये प्रजातांत्रिक हक है कि हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और एक ही मांग लेकर बैठे हैं कि इतने दिन गुजर गए और मजदूरों का जितना इंतज़ाम होना चाहिए था घर पहुँचाने का, वो नहीं हुआ है। एक अंश मजदूर भी जो बाहर काम करते थे आज घर नहीं पहुँचे हैं। और आज स्थिति ये है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के ऊपर थोप रही है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के ऊपर थोप रही है। हम सब यहाँ बैठे हैं इस मांग को लेकर कि तत्काल भारत सरकार सेना को ये जिम्मेदारी दे कि सेना अपने पूरे संसाधनों के साथ उतरे, जितने सिविलियन संसाधन हैं उनको अपने कमांड में ले और 24 घंटे के भीतर जितने मजदूर सड़कों पर है या जितने मजदूर घर जाना चाहते हैं उनको उनके गंतव्य तक सम्मान के साथ पहुंचाए, उनका मेडिकल जांच कराए, उनको भोजन और पानी पहुंचाए और उनको लेकर उनके घर ले जाए। आपको क्या लग रहा है सर, कमी किस मोर्चे पर रह रही है, चाहे केंद्र सरकार की बात करें? संवेदनशीलता की कमी है। आप ही लोग दिखाते हैं सड़कों पर मजदूरों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, पुलिस लाठियां बरसा रही है उनके ऊपर, कोई बच्चा मर रहा है, मजदूर ट्रेन के नीचे दबकर मर रहे हैं, मजदूर जो हैं वो ट्रकों में एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। और ये सब होने के बावजूद भी हमारे देश की आंख नहीं खुली, भारत सरकार की आंख नहीं खुली, किसकी जिम्मेदारी है? मैं बिल्कुल ही जोर देके इस बात को कहना चाहूँगा कि ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है और भारत सरकार के पास ही सेना को आदेश देने का अधिकार है, इसलिए वो सेना को आदेश दे।